ये वीडियो वकांडा के सन की पायलट के दिमाग की उपज है, जिसका किसी भी देश के रेलवे से कोई संबंध नहीं है। वीडियो की शुरुआत में बिना सिर पैर की कहानी चलेगी, स्किप करने वालों की रेलवे टिकट कभी कंफर्म नहीं होगी। वकांडा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सभी मरीजों का इलाज शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था कि तभी रूम नंबर 120 में एक महिला ने ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसकी रगों में खून नहीं करंट दौड़ता था। बचपन से ही अपनी करंट की शक्तियों से सबको तंग करने के कारण उसके घर वालों ने उसका नाम SNT वाला रखा। SNT वाला बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन नीट की परीक्षा में आधार कार्ड से ज्यादा रैंक आने के कारण वह इलेक्ट्रिशियन का काम करने लगा। 11,000 वाली लाइन पर चढ़ के शॉर्ट्स बनाने और शादियों में जनरेटर की जगह खुद बैठ जाने के कारण कोई बाप उसे अपनी बेटी देने के लिए, मेरा मतलब शादी करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए SNT वाला बिजली के तारों से माल फूंक कर खुश रहने लगा। वहीं दूसरी ओर वकांडा रेलवे में ट्रेनें चल तो रही थी, लेकिन कॉपी पेस्ट समझौते, मेरा मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समझौता न होने के कारण सिग्नल्स को रिपेयर करने वाला कोई नहीं। लोको पायलट समाज द्वारा चलती ट्रेन से सिग्नल को उंगलियां दिखाने और डेंजर सिग्नल को कहकर उसका मजाक उड़ाने के कारण सारे सिग्नल हड़ताल पर चले गए। सिग्नल समाज की इस अघोषित हड़ताल में कुछ सिग्नल ब्लैंक हो गए, कुछ आंख मारने लगे, कुछ एक की जगह दो एस्पेक्ट बताने लगे और कुछ भंड होकर ट्रैक पर लेट गए, जिससे वकांडा में ट्रेनें 20 सेक्शन में खड़ी होने लगी। राज्य की रेलवे अर्थव्यवस्था को चरमराता देख वकांडा के महाराज ने आपातकालीन बैठक बुलाई। फ्री में समोसे खाने आए SNT वाले ने अपनी जीप से बल्ब जलाकर वकांडा के महाराज को ये विश्वास दिलाया कि अगर उसे 2800 ग्रेड पे 7800 HRA, 10,000 DA और 6,000 रशियन के, मेरा मतलब ड्रेस अलाउंस के दिए जाए, तो वो सिग्नल की आंख मारने की गंदी आदत को छुड़वा देगा। 115 साल तक चली लंबी बैठक के पश्चात वकांडा रेलवे ने SNT वाले की 6,000 को छोड़कर बाकी सभी शर्तें मान ली, जिसके बाद तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सन की पायलट में, जिसमें मैं असिस्टेंट लोको पायलट MS राजपूत आज उधेड़ कर रखने वाला हूं SNT डिपार्टमेंट के टेक्नीशियन ग्रेड 1 की पोस्ट को। अगर बात इस पोस्ट की शैक्षणिक योग्यता की जाए तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे किसी भी सब्जेक्ट से 3 साल की BSc, 4 साल की BTEC या 3 साल की पॉलिटेक्निक करने वाला कोई भी छात्र जिसकी उम्र 18 से 36 वर्ष के मध्य आती है RRB द्वारा आयोजित होने वाली 1100 पदों की टेक्नीशियन ग्रेड 1 की परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकता है। ITI पास आउट और 12 PCM वाले छात्र इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उनके लिए वकांडा के महाराज का यही कहना है, I am sorry, बाबू। अगर बात टेक्नीशियन ग्रेड 1 के एग्जाम पैटर्न की जाए तो इस बार केवल एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT होगा, जिसमें 100 नंबर के 100 सवाल पूछे जाएंगे। तुक्का मारने वालों के 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे तथा उपरोक्त खेल को खेलने के लिए तुम्हें 90 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर बात इसके सिलेबस की जाए तो इसमें 10 नंबर की GK, 15 नंबर की रीजनिंग, 20 नंबर का कंप्यूटर, 20 नंबर का मैथमेटिक्स और 35 नंबर की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के सवाल पूछे जाएंगे। अगर बात टेक्नीशियन ग्रेड 1 के मेडिकल की जाए तो रेलवे में इनका मेडिकल B1 कैटेगरी का होता है, जिसमें तुम्हारी आईसाइट चश्मे के साथ या चश्मे के बिना 6x9 या 6x12 होने पर भी चलेगा। लेकिन अगर तुम कलर विजन टेस्ट, बायनोक्यूलर विजन टेस्ट, नाइट विजन टेस्ट और मेसोपिक टेस्ट जैसे आई टेस्ट को पास नहीं कर पाए तो बाइनोक्यूलर विजन टेस्ट में तुम्हारे मुंह को एक मशीन में घुसेड़कर ये चेक किया जाता है कि तुम्हारी खोपड़ी में दिखाई देने वाली चीजों के एक से ज्यादा तस्वीरें तो नहीं बनती। कलर विजन टेस्ट के नाम पर तुम्हारी आंखों से लाल, पीला और हरा रंगों में विभेद करवाया जाएगा, जबकि मेसोपिक टेस्ट और नाइट विजन टेस्ट में तुम्हारी आंखों में जादुई दवाई डालने के आधे घंटे पश्चात ये चेक किया जाता है कि तुम्हें रात या अंधेरे में बराबर दिखाई देता है या नहीं। यदि तुमने CBT, DV और मेडिकल परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया तो तुम्हारे घर पर रेलवे का एक ज्वाइनिंग लेटर आएगा, जिसके पश्चात तुम्हारे कानों में एक प्यारी सी आवाज सुनाई देगी, दूल्हा खाए मेरा दूल्हा, दूल्हा खाए मेरा दूल्हा, दूल्हा खाए मेरा दूल्हा, दूल्हा खाए मेरा दूल्हा, मेरे दूल्हे को बुलाओ। अगर पर
टेक्नीशियन ग्रेड वन की ट्रेनिंग की जाए तो इनकी रेलवे में पूरे एक साल की ट्रेनिंग होती है, जिसमें इन्हें शुरुआत के 17 वीक यानी 4 महीनों तक क्लासों में सुलाया जाता है, मेरा मतलब ट्रैक सर्किट, सिग्नल, एक्सेल काउंटर, रिले रूम, पैनल बोर्ड के बारे में पढ़ाया जाता है। बाकी बच्चे 8 महीनों में ओपन लाइन ट्रेनिंग के नाम पर फील्ड में धक्के खाकर खुद सीखने के लिए छोड़ दिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें 29,900 रुपए बेसिक के तथा 13,432 रुपए डीए के प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ट्रेनिंग में इनकी सैलरी होती है पूरे 42,500। करिकुलम एक्टिविटीज के नाम पर इन बेचारों को दिनांक के साथ शपथ लेना, मेस में पूरियों पर बंदरों की भांति टूट पड़ना तथा दिल का आलम गाना गाकर श्रोताओं के कानों से खून निकालना भी सिखाया जाता है। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। देखो एसएनटी डिपार्टमेंट में प्रमोशन लाइट की स्पीड से होता है। एक बार टेक्नीशियन ग्रेड वन पर सिलेक्शन के 2 साल पश्चात तुम्हारा प्रमोशन सीनियर टेक्नीशियन या एमसीएम के रूप में होता है। तुम्हारी ग्रेड पे 2800 से बढ़कर 4200 हो जाती है और तुम्हारी सैलरी 70,000 से 80,000। लेकिन पहला प्रमोशन पाकर तुम्हें ज्यादा चौड़ा होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रमोशन से तुम्हारी सैलरी में वृद्धि होगी, लेकिन काम आज भी तुम्हें सिग्नल को मेंटेन करके रखने का ही करना पड़ेगा। सीनियर टेक्नीशियन या एमसीएम के पद पर 2 साल तक काम करने के पश्चात तुम्हारा अगला प्रमोशन जूनियर इंजीनियर या जेई के रूप में होता है। जेई बनने पर तुम्हारी ग्रेड पे या सैलरी पर तो कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन तुम्हारी शक्तियों का काफी विस्तार हो जाता है। प्रत्येक मेंटेनेंस साइट पर महीने में एक बार विजिट करना, सिग्नल फेल्योर के समय टीम को लीड करना तथा सिग्नल असिस्टेंट टेक्नीशियन ग्रेड 3rd, 2nd, 1st और एमसीएम को छुट्टी प्रदान करने की शक्तियाँ जेई के पास ही होती है। जेई के पद पर 2 से 3 साल तक काम करने के पश्चात तुम्हारा प्रमोशन सीनियर सेक्शन इंजीनियर या एसएससी के रूप में होता है। तुम्हारी ग्रेड पे 4200 से बढ़कर 4600 हो जाती है और तुम्हारी सैलरी 1,00,000 के उस पार। 4600 ग्रेड पे वाला ये जीव अपना अधिकांश समय अपने ऑफिस में ही गुजारता है। प्रत्येक मेंटेनेंस साइट का 3 महीने में एक बार विजिट करना तथा सेक्शन में एसएनटी डिपार्टमेंट के काम करने के लिए ब्लॉक उपलब्ध करवाने जैसे कठिन काम एसएससी के द्वारा ही किए जाते हैं। चतुर रामलिंगम स्वामी के परिवार से आने के कारण यदि नौकरी और छोकरी मिलने के पश्चात तुम्हारा पढ़ाई का भूत न उतरा हो तो LDC जैसे डिपार्टमेंटल एग्जाम से तुम JEE तथा GDC जैसे डिपार्टमेंटल एग्जाम से तुम गार्ड या स्टेशन मास्टर भी बन सकते हो। अगर पर टेक्नीशियन ग्रेड वन की सैलरी की जाए तो 29,200 रुपए बेसिक के, 13,423 रुपए DA के, 7,884 रुपए HRA के, 5,256 रुपए TA के तथा 625 रुपए प्रतिदिन फील्ड अलाउंस के जोड़ दिए जाए तो एक टेक्नीशियन ग्रेड वन की सैलरी जाती है 55,000 से 60,000। अधिकांश एसएनटी डिपार्टमेंट के टेक्नीशियन की ड्यूटी बड़े स्टेशन पर ही होती है, जहां से इन्हें आसपास के 7 से 8 स्टेशन के सिग्नल को मेंटेन करके रखने का काम होता है। टेक्नीशियन ग्रेड वन के टोटल ड्यूटी आवर्स उनकी पोस्टिंग की सिटी पर भी डिपेंड करते हैं। जैसे काला बकरा जैसे बड़े स्टेशन पर इनके ड्यूटी आवर्स 8 घंटे, नई दिल्ली जैसे मध्यम श्रेणी के स्टेशन पर इनके ड्यूटी आवर्स 12 घंटे तथा USA ऑस्ट्रेलिया जैसे छोटे स्टेशन पर इनके ड्यूटी आवर्स 24 घंटे तक होते हैं, लेकिन छोटे स्टेशन पर काम न के बराबर होता है। एसएनटी डिपार्टमेंट के सभी टेक्नीशियन को संडे की छुट्टी दे दी जाए तो सिग्नल बगावत करके ट्रेनों का जाम लगा सकते हैं, इसलिए हर टेक्नीशियन को वीक में 1 दिन की छुट्टी तो फिक्स होती है, लेकिन वो दिन सोमवार होगा या शनिवार हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। एक एसएनटी डिपार्टमेंट के टेक्नीशियन ग्रेड वन के काम को कटप्पा द्वारा आयोजित प्रोग्राम के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। स्टेशन के महाराज कहे जाने वाले स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन सीमा में आने वाले सभी सिग्नल को लाल पीला हरा करने के लिए पैनल बोर्ड की आवश्यकता होती है तथा इस पैनल बोर्ड के खराब हो जाने पर इसका रिपेयरिंग करेगा कौन। पिछले स्टेशन से चली ट्रेन पूरी की पूरी स्टेशन के अंदर आ चुकी है या नहीं इसका पता लगाने के लिए सिग्नल के निकट ट्रैक सर्किट या एक्सेल काउंटर लगाए जाते हैं। इसलिए मास्टर द्वारा लाइन क्लियर लेने या देने में प्रयोग होने वाले ट्रैक सर्किट और एक्सेल काउंटर का मेंटेनेंस करेगा कौन। डिस्टेंस सिग्नल के प्रोसीड होने पर होम सिग्नल भी प्रोसीड ही होगा, वह डेंजर नहीं हो सकता। इस प्रकार के लॉजिकल ऑपरेशन रिलेज के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं तथा स्टेशन पर रिले रूम का मेंटेनेंस करेगा कौन। मास्टर द्वारा पैनल पर की गई सारी छेड़छाड़, मेरा मतलब प्रोसीड सिग्नल देना, ट्रेन को लूप लाइन में लेना जैसी सारी गतिविधियां एक डेटा लॉगर में रिकॉर्ड होती रहती है। इस प्रकार मास्टर की सारी काली करतूतों को रिकॉर्ड करने वाले डेटा लॉगर को मेंटेन करके रखेगा कौन। किसी ट्रैक को लूप लाइन या प्लेटफॉर्म पर लेने का काम ट्रैक चेंजिंग मशीन के द्वारा किया जाता है तथा इस ट्रैक चेंजिंग मशीन को रोज ग्रेस लगाकर इसे सुचारू रूप से चलाएगा कौन। किसी ट्रैक पर ट्रेन की उपस्थिति का पता ट्रैक सर्किट लगा सके इसके लिए स्टेशन के निकट 2 ट्रैक को इंसुलेट करने के लिए ग्लूड जॉइंट लगाए जाते हैं। इसलिए समय समय पर ग्लूड जॉइंट पर पोटेंशियोमीटर को लगा लगा कर वोल्टेज और करंट को चेक करेगा कौन।
देखो रेलवे में एसएनटी डिपार्टमेंट की जॉब को काफी रेपुटेटेड जॉब माना जाता है क्योंकि ये रेलवे का एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ टैलेंट की वास्तव में कदर होती है। जहाँ दूसरी सरकारी नौकरियों में गधे घोड़े खच्चर सब बराबर होते हैं, वहीं एसएनटी डिपार्टमेंट में अगर तुम्हें रियल में करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस रिले का नॉलेज है तो तुम्हारे आने पर तुम्हारा एसएससी भी कहेगा। सिग्नल के मेंटेनिंग के लिए 2 से 3 घंटे का पावर ब्लॉक दिया जाता है जिस दौरान सभी ट्रेनों को रोक दिया जाता है और एसएनटी डिपार्टमेंट वाले अपना काम करते हैं। इस प्रकार कहने को तो एसएनटी डिपार्टमेंट के टेक्नीशियन की ड्यूटी 8 घंटे की होती है लेकिन इनका वास्तविक काम 2 से 3 घंटे का ही होता है। वहीं दूसरी ओर 11 घंटे मरवाने मेरा मतलब काम करने के पश्चात भी हमारा लोको पायलट मुझे जाने दो मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। घर वालों से अथाह बात करने और इंस्टाग्राम पर जैकलिन फर्नांडिस के इमी इमी को बार बार देखने, मेरा मतलब सिग्नल फेलियर के समय अपने टेक्नीशियन को फटाफट बुलाने के लिए एसएनटी डिपार्टमेंट अपने टेक्नीशियन को देता है अनलिमिटेड कॉलिंग और 30 GB पर मंथ डेटा वाली 1 जियो की सिम बिल्कुल फ्री। वहीं दूसरी ओर बेचारा वर्कशॉप का टेक्नीशियन, मैं गरीब हूँ। एसएनटी डिपार्टमेंट में बंदे कम होने के कारण प्रमोशन बहुत फास्ट होता है। अगर तुम्हारी जॉब कच्ची उम्र में लगती है तो 2 साल में सीनियर टेक्नीशियन, फिर जेई, एसएससी, डीआरएम, जीएम, रेल मंत्री, प्रधानमंत्री और रिटायरमेंट तक पहुंचते पहुंचते तुम संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष तो बन ही जाओगे। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। 8 घंटे की ड्यूटी में मात्र 2 से 3 घंटे का काम होने के कारण एसएनटी डिपार्टमेंट का टेक्नीशियन अपने घर परिवार को अच्छा खासा टाइम दे सकता है। वहीं 72 घंटे तक विचरण करने वाले लोको पायलट की लुगाई, तुमको तो बस नौकरी करना, खाना पीना और सो जाना, दूसरा और कोई काम है ही नहीं। जहां 8 घंटे की रेलवे ड्यूटी के पश्चात वर्कशॉप का टेक्नीशियन भूत, सीएनडब्ल्यू का टेक्नीशियन राजपाल यादव, स्टेशन का मास्टर पागल, गुड्स गार्ड गधा और लोको पायलट पका हुआ आलू बनकर बाहर निकलता है, वहीं हमारा एसएनटी का टेक्नीशियन आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस सब कुछ अपना समझ, मेरे अंडरवेयर को छोड़ के। क्योंकि बिना सिग्नल के सभी ट्रेनें अंधी होकर खड़ी हो जाती है, इसलिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जॉब बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होती है। इनकी एक छोटी सी गलती से बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है, इसलिए इन्हें अपना काम पूरा ध्यान लगाकर करना पड़ता है और काम के बीच में ये बिल्कुल नहीं सोच सकते कि आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। क्योंकि रेलवे 24 घंटे 360 दिन तक लगातार चलता है, इसलिए रात को 3 बजे भी सिग्नल के फेल होने पर इन्हें उठकर जाना पड़ता है, जबकि हमारा वर्कशॉप का टेक्नीशियन मारी छोर यहाँ थारा छोरा सा कम है के बोलने वाले फेमिनिस्टों को डीमोटिवेट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन 24 घंटों में किसी भी समय ड्यूटी के लिए तैयार रहना, वीरान स्टेशनों पर जाकर एक्सेल काउंटर को ठीक करना, सिग्नल पर चढ़ना जैसे चैलेंजिंग कामों को देखकर मुझे लगता है कि ये जॉब लड़कियों के लिए सुटेबल कम है, लेकिन फिर भी मेरी कोई बहन अगर इन सभी चैलेंजेस को फेस करने की हिम्मत रखती है तो अद्भुत अविश्वसनीय। एसएनटी का टेक्नीशियन चाहता है कि उसका भी मास्टर की भांति 8 घंटे की फिक्स ड्यूटी का रोस्टर हो, क्योंकि कई बार सिग्नल फेल होने पर 8 घंटे की ड्यूटी के पश्चात भी इन्हें दोबारा 5 घंटों के लिए बुला लिया जाता है और 5 घंटे किए गए इस एक्स्ट्रा काम के लिए इन्हें लोको पायलट की भांति कोई ओवर टाइम भी नहीं मिलता है, जिससे इन्हें काफी तकलीफ होती है। सिग्नल फेलियर के समय ये लोग काफी प्रेशर में रहते हैं, क्योंकि ट्रेन रुक जाने के कारण जहां सारे यात्री ट्विटर पर रेलवे के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं, वहीं ऐसे क्रूशल समय में काम करते समय इनके पास एसएससी, डीआरएम, जीएम, रेल मंत्री, प्रधानमंत्री, पुतिन, जिनपिंग, जो बाइडेन हालात का जायजा लेने के लिए बार बार फोन करते रहते हैं, जिससे इन्हें काफी तकलीफ होती है। काम में जरा सी भी लापरवाही एसएनटी डिपार्टमेंट में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए आज मेंटेनेंस किए गए सिग्नल या पॉइंट के कल खराब हो जाने पर इन्हें चार्जशीट नामक प्रसाद मिलता है, जिससे इनके पास पीटीओ और 1 साल का इंक्रीमेंट खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सुनसान स्टेशनों से 1 किलोमीटर दूर खेतों में पड़े एक्सेल काउंटर का दरवाजा खोलने पर कई बार इनका सामना सांप, बिच्छू, अजगर, एनाकोंडा और डायनासोर के बच्चों से होता है, जिससे इन्हें काफी तकलीफ होती है। स्टेशन मास्टर और एसएनटी के टेक्नीशियन के रिश्ते रशिया और यूक्रेन की भांति होते हैं, जहां एसएनटी के टेक्नीशियन का मानना है कि मास्टर पैनल को अच्छे से ऑपरेट नहीं करता है और सिग्नल न आने पर डिटेंशन एसएनटी के सर पे डाल देता है। वहीं दूसरी ओर मास्टर का मानना है कि टेक्निकल नॉलेज अधिक होने के कारण ये लोग उसे काफी एटीट्यूड दिखाते हैं, इनमें से कौन कितना सही है हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। इसके अलावा भी पीवी डिपार्टमेंट वाले इनके ग्लूट जॉइंट की प्रॉपर ग्रीसिंग नहीं करते हैं, जिससे इनका ट्रैक सर्किट कई बार काम नहीं करता है। ग्रीसिंग को लेकर पीवी के गैंगमैन और एसएनटी के टेक्नीशियन के मध्य होने वाली बहस के दौरान एसएनटी का टेक्नीशियन यही सोचता है, अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं,
क्या करूँ इसका, क्या करूँ, मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे। तो बस यार आज के लिए इतना ही। वीडियो में 1% भी कुछ अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक की बटन दबाइए। अगर बुरी लगी तो डिसलाइक की बटन भी दबा सकते हैं, पर मुझे बहुत बुरा लगेगा। अगले व्लॉग में हम लोग जरूर मिलेंगे। बाय बाय।